हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले चार साल से अटकी है अडानी समूह के 29,000 करोड़ रुपए की घोटाले की जांच। क्या अपने उद्योगपति दोस्त को बचा रही है मोदी कांग्रेस? घोटाले में जिस कंपनी का नाम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा पूंजीपति अडानी की है। पूंजीपतियों के साथ संबंध होने पर अब मोदी सरकार घिरती जा रही है। जिस तरह के मामले पिछले कुछ समय से सामने आ रहे हैं वो सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हैं। कई मामलों में प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाने वाले गौतम अडानी का नाम सामने आ चुका है। अब कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर इस तरह का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के दौर में हुए कोयला आयात घोटाले की जांच 4 साल से अटकी पड़ी है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री के पसंदीदा पूंजीपतियों की कंपनियां शामिल है। कांग्रेस ने इस मामले में पूछा कि क्या वित्त मंत्री इस पर ब्लॉग लिखेंगे। केंद्र सरकार 29,000 करोड़ रुपए के कोयला आयात घोटाले की जांच के लिए जरूरी कागजात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नहीं ले पा रही, क्योंकि इस घोटाले में जिस कंपनी का नाम है वो प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा पूंजीपति अडानी की है। सोमवार को कांग्रेस ने ये आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच तेजी से करने की मांग उठाई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 1,000 करोड़ के कोयला आयात घोटाले में केंद्र सरकार की तरफ से जानबूझकर देरी की जा रही है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा पूंजीपति की कंपनी का नाम शामिल है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अक्टूबर 2014 में वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाली DRI ने घोषणा की थी कि कोयले के निर्यात में घोटाला हुआ है और उसकी जांच होगी। घोटाला इस बात का कि कंपनियों ने दूसरे देशों से मंगाए गए कोयले की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताई। जयराम रमेश ने बताया कि जांच के ऐलान के करीब 6 महीने बाद 31 मार्च 2016 को DRI ने बयान दिया कि इस मामले में 40 कंपनियों के शामिल होने की बात है और कुल घोटाला 29,000 करोड़ का है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इन सभी 40 कंपनियों में से ज्यादातर इंडोनेशिया से कोयले की खरीद करती थी और उन्हें भारत की कई कंपनियों को आपूर्ति करती थी। इनमें सरकारी बिजली कंपनियां भी शामिल है। कांग्रेस का आरोप है कि इन दो बयानों के बावजूद DRI की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। कांग्रेस नेता ने बताया कि इस बीच अडानी की कंपनी ने सिंगापुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और मांग की कि कोयला आयात से संबंधित जो भी कागज या दस्तावेज हैं उन्हें भारत सरकार या जांच एजेंसी को ना दिए जाने का आदेश दिया जाए। जयराम रमेश ने कहा कि इस बीच 20 मई 2016 को वित्त सचिव हसमुख अधिया ने स्टेट बैंक की तत्कालीन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अरुंधति भट्टाचार्य को पत्र लिखकर अडानी की कंपनी के कोयला आयात से संबंधित कागजात DRI को उपलब्ध कराने को कहा, लेकिन 4 दिन बाद ही SBI चीफ अरुंधति भट्टाचार्य ने जवाब दिया, चूंकि अडानी समूह ने सिंगापुर की अदालत में अर्जी दायर की है इसलिए कागजात DRI को नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा करना सिंगापुर के कानून के खिलाफ है। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि जब कंपनी भारत की बैंक भारत सरकार का कोयला आयात और उसकी आपूर्ति भारत में हुई और जांच भी भारतीय एजेंसियां कर रही हैं, तो ऐसे में सिंगापुर कोर्ट के कानून की इतनी चिंता क्यों? कांग्रेस ने ये भी सवाल उठाया कि बीते 4 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार सिंगापुर का दौरा कर चुके हैं और वहां के प्रधानमंत्री भारत आ चुके हैं, तो फिर इस मामले पर कोई प्रगति क्यों नहीं हो रही? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 4 साल में इस मामले की जांच आगे न बढ़ने से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के पसंदीदा पूंजीपति को बचाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी विधायक के बेटे ने सिंधिया को दी जान से मारने की धमकी। कांग्रेस नेता बोले, बीजेपी पार्टी नहीं गुंडों का गिरोह है। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को जान से मारने की धमकी देने वाले बीजेपी विधायक के बेटे प्रिंस दीप लालचंद खट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया। विधायक के बेटे ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सिंधिया को धमकी देते हुए कहा था कि यदि सिंधिया हटा आते हैं तो वो उन्हें गोली मार देंगे। बीजेपी विधायक के बेटे द्वारा कांग्रेस नेता को दी गई इस धमकी के बाद बीजेपी को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा ट्वीट कर, राजनीति में मुद्दों पर विरोध लोकतंत्र की नींव है, लेकिन मध्य प्रदेश भाजपा विधायक के बेटे विपक्ष के नेताओं को गोलियों से भून देने में ही विश्वास रखते हैं। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस और भाजपा के चरित्र का अंतर वही है जो गांधी और गोडसे का था। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, देश हित में बलिदान देने के लिए आदत है हमें। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, दमोह के भाजपा विधायक के बेटे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जान से मारने की धमकी देकर बता दिया कि भाजपा एक पार्टी नहीं बल्कि गुंडों का एक गिरोह है। धमकी के जवाब में खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हटा के भाजपा विधायक के पुत्र द्वारा मुझे दी गई जान से मारने की धमकी समूचे भाजपा संगठन की विचारधारा का प्रतिबिंब है, लेकिन ऐसी धमकियों से हम ना तो डरेंगे, ना ही झुकेंगे और ना ही रुकेंगे। बता दें कि 3 सितंबर को फेसबुक पोस्ट में बीजेपी विधायक के बेटे ने लिखा था, सुन ज्योतिरादित्य, तेरी रगों में जीव जावी का खून है जिसे बुंदेलखंड की बेटी झांसी की रानी का खून किया। अगर उपकाशी हटा में प्रवेश कर इस धरती को अपवित्र करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा लहारी में ही, या तो मेरी मौत होगी या तेरी। धमकी देने वाले बीजेपी विधायक के बेटे के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने शिकायत पर सोमवार को प्राथमिकता दर्ज की गई, जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर 11 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया है।
बीजेपी विधायक के विवादित बोल, कहा लड़कियों ने प्रपोजल ठुकराया तो अपहरण करके ले जाऊंगा। मुंबई के घाटकोपर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राम कदम का विवादास्पद बयान सामने आया। उन्होंने नौजवान लड़कों को लुभाने के लिए कहा कि वो लड़की भगाने में उनकी मदद करेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने ये भी कहा कि अगर लड़की राजी नहीं होती तो वो लड़कों के लिए उनकी पसंद की लड़कियों का अपहरण भी करेंगे। रामकदम ने सोमवार की रात घाटकोपर में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित दहीहांडी कार्यक्रम के दौरान नौजवानों से मुखातिब होते हुए ये बातें कहीं। बीजेपी विधायक के इस बयान पर विपक्षियों ने कड़ा एतराज जताया। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि कदम ने जो भी कहा उसे भाजपा के रावण जैसे चेहरे का खुलासा हुआ। कदम ने कहा कि वो एक लड़के के लिए लड़की का अपहरण करेंगे, इसलिए उन्हें रावण कदम कहा जाना चाहिए। वहीं राकंपा विधायक जितेंद्र आवाड़ ने ट्विटर के जरिए कदम के बयान की आलोचना करते हुए कहा, बेताल वक्तव्य करने वाले बीजेपी नेता ने एक और विवादास्पद बयान दे दिया। रक्षाबंधन और दही कला के पवित्र अवसर पर विधायक ने तारे तोड़ दिया है और उनके राज में महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। जब राम कदम से उनके इस बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ का पेश किया गया। हालांकि उनके बयान का वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। मोदी सरकार का फरमान, दलित शब्द का प्रयोग ना करे मीडिया। बीजेपी सांसद बोले, पहले दलित का मतलब समझे मोदी। मोदी सरकार अब ये तय करेगी कौन सा शब्द टीवी चैनल पर बोला जाए और कौन सा नहीं। इस मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी टीवी चैनलों को एडवाइजरी जारी कर कहा कि वो दलित शब्द प्रयोग करने से बचें। मंत्रालय ने इसे अनिवार्य करने को कहा कि वहीं इस मामले पर बीजेपी के अपने सांसद उदित राज सवाल खड़े करते हैं। उदित राज ने कहा कि दलित का मतलब अनुसूचित वर्ग होता है, दलित शब्द का व्यापक इस्तेमाल होता है और यही स्वीकार भी है। इस संबंध में मंत्रालय की एडवाइजरी तो ठीक है, लेकिन इसको अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले का हवाला देते हुए एडवाइजरी जारी की, जिसमें कोर्ट में कहा गया था कि दलित की जगह अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि दलित शब्द नहीं बोलने को लेकर चैनलों से विचार करने को कहा गया, मगर जिस तरह से मीडिया काम कर रहा है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि सरकार की ये सलाह चैनलों के लिए निर्देश होगा। वैसे दलित शब्द को लेकर मीडिया जो शो करती है वो कई बार आपत्तिजनक लगता है, जैसे कि दलित की जगह दलहित। सुदर्शन के संपादक ने एससी का किया अपमान, कहा कोर्ट में 370 पर फैसला सुनाने का दम नहीं, इसलिए 377 पर फैसला दे रही है। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर सुदर्शन न्यूज संपादक सुरेश चहवाण ने सुप्रीम कोर्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। चहवाण ने सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिकता पर दिए गए फैसले पर आलोचना करते हुए कहा कि इसे शर्मनाक है। इसके साथ ही चहवाण ने कोर्ट का अपमान करते हुए कहा कि कोर्ट में धारा 370 पर फैसला सुनाने की हिम्मत नहीं। बता दें कि भारतीय संविधान की धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्ता हासिल है और इसके तहत राज्य में इंडियन पैनल कोड IPC लागू नहीं होती। संपादक ने ट्विटर के जरिए कहा, देश के सर्वोच्च न्यायालय पर आज मुझे शर्म है। हिंदुस्तान धारा 370 पर फैसला चाहता है, लेकिन कोर्ट धारा 377 पर फैसला दे देती है। शर्मनाक, क्या यही प्राथमिकता है देश के सर्वोच्च न्यायालय की या दम नहीं है? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने IPC के द्वारा फैसले के बाद अब भारत में दो व्यक्ति लोगों के बीच सहमति से बने गए समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। कोर्ट के इस फैसले पर RSS समेत ज्यादातर हिंदुत्ववादी संगठनों ने विरोध किया। सुरेश चहवाण को भी हिंदुत्ववादी विचार के रूप में देखा जाता है, वो अक्सर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। इससे पहले भी चहवाण को घर में भावनाएं भड़काने और माहौल बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।